भारतवर्ष में अफीम की खेती का महत्व प्राचीन काल से एक औषधीय पौधे के रूप में जाना जाता है। इसे काला सोना भी कहा जाता है। विभिन्न प्रकार की गुणकारी औषधियों में उपयोग करने तथा विदेशी मुद्रा अर्जित करने का यह एक प्रमुख स्रोत है। अफीम द्वारा 40 से 42 प्रकार के उपक्षार यानी जिसे अल्कलाइड्स कहा जाता है वे निकाले जाते हैं। मुख्य रूप से मार्फिन, कोडीन, ट्रियोफेन, थियामीन व पापावेरिन निर्मित किया जाता है, जो कि बहुत से शारीरिक एवं मानसिक विकारों को निदान में प्रभावकारी पाया जाता है। यह पीड़ानाशक संग्राहक, आनंददायक, निद्राजनक तथा उत्तेजक होता है। इसके अलावा इसका उपयोग हृदय रोग, मस्तिष्क विकार, खांसी, श्वसन, दांत दर्द, पेचिश, रक्तचाप इत्यादि विकारों के उपचार में भी किया जाता है। अफीम के बीज को पोस्ता या खसखस के नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग खाद्य बीज व तेल के रूप में भी किया जाता है। बीज में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। बीज की 100 ग्राम खाद्य युक्त मात्रा में 24% प्रोटीन, 15% शर्करा, 54% वसा तेल, 1.5 से 2% खनिज लवण तथा 648 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके अलावा डोडा छिलका या भूसी से भी उपक्षार यानी अल्कलाइड निकाला जाता है और औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है। अफीम का निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित कर देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने में सहयोग भी मिलता है। अब इसके क्षेत्रफल और वितरण की बात हम करते हैं। भारतवर्ष में इसकी खेती 3 राज्यों, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के कुछ सीमित क्षेत्रों में की जाती है। इसकी खेती मध्य प्रदेश के रतलाम, उज्जैन, मंदसौर, नीमच जिलों में, राजस्थान के प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ एवं बांसवाड़ा जिलों में तथा उत्तर प्रदेश के बाराबंकी, फैजाबाद, लखनऊ, रायबरेली, बरेली, बदायूं, आजमगढ़ तथा गाजीपुर जिले के सीमित क्षेत्रों में की जाती है। वर्तमान में अफीम की उत्पादकता की काफ़ी कम है, जिसके चलते प्रतिवर्ष हजारों कृषकों के पट्टे यानी अफीम खेती के लिए लाइसेंस निरस्त हो जाते हैं। इन समस्याओं का निराकरण करके अफीम की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर की इकाई द्वारा उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर एवं नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय फैजाबाद में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से संचालित अखिल भारतीय समन्वित औषधीय एवं सुगंधित फसल परियोजना के अंतर्गत अनुसंधान कार्य किया जा रहा है। इन अनुसंधान केंद्रों पर किए गए वैज्ञानिक परीक्षणों को एवं कृषकों के खेतों पर किए गए प्रदर्शनों के अनुभवों के आधार पर कृषक उपयोगी अनुशंसाओं का विवरण यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। सबसे पहले भूमि का चुनाव और उसकी तैयारी। अफीम के लिए मध्यम से गहरी भूमि जिसकी जल धारण क्षमता और जीवांश की मात्रा अधिक हो वही उपयुक्त होती है। 2-3 बार आड़ी खड़ी जुताई कर 2 बार बखर चलाएं तथा बाद में पाटा चलाकर मिट्टी भुरभुरी कर लें। पुरानी फसल के अवशेष नष्ट कर देवे। सकरी एवं कम लंबी क्यारियां बनावे। इसी प्रकार जातियों के चुनाव के लिए अफीम की कई उन्नतियां जाती हैं, जिसमें किसानों के खेतों पर परीक्षण के बाद
विपरीत परिस्थितियों में भी अधिक उत्पादन प्राप्त हुआ है। अखिल भारतीय समन्वित औषधीय एवं सुगंधित पौध परियोजना कार्यशाला द्वारा मध्य प्रदेश के लिए अनुमोदित जातियां इस प्रकार है: जवाहर अफीम 16, JOP 539, JOP 540। जवाहर अफीम 16 किस्म सफेद रंग के फूल बुआई के 80 से 85 दिन में आ जाते हैं। इसमें प्रति पौधा 2 से 3 रोड़े आते हैं, जिनमें बुआई के लगभग 110 दिन पश्चात पहला चीरा लगता है। इस किस्म में 60 से 65 किलो प्रति हेक्टेयर लेटेक्स प्राप्त होता है, जबकि बीज की उपज लगभग 1200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। इस किस्म में मार्फिन लगभग 12% तक प्राप्त हो जाती है। जवाहर ओपियम OP 539, इस किस्म में सफेद रंग के फूल बुआई के 80 से 85 दिन में आ जाते हैं। इसमें प्रति पौधा 2 डोडे आते हैं, जिनमें बुआई के लगभग 105 दिन पश्चात पहला चीरा लगाया जाता है। इस किस्म में लगभग 55 से 60 किलो प्रति हेक्टेयर लेटेक्स प्राप्त होता है, जबकि बीज की उपलब्ध मात्रा 1200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। इस किस्म में मार्फिन लगभग 14% तक प्राप्त हो जाती है। जवाहर ओपियम 540, इस किस्म में सफेद रंग के फूल बुआई के 85 से 90 दिन में आ जाते हैं। इसमें प्रति पौधा 2 डोडे आते हैं, जिनमें बुआई के लगभग 110 दिन पश्चात पहला चीरा लगाया जाता है। इस किस्म में लगभग 75 किलो प्रति हेक्टेयर लेटेक्स प्राप्त होता है, जबकि बीज की उपज लगभग 1500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। इस किस्म में मार्फिन लगभग 13% तक प्राप्त हो जाती है। अब बीज की मात्रा जो है अफीम की बुआई में कतार में बोने पर 5 से 6 किलो और छिड़काव कर बोने पर 7 से 8 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बोया जाता है। बीज का उपचार: 2 ग्राम डायथेन M45 एवं 1 ग्राम बेविस्टिन या क्लेक्सल या एप्रॉन 35 SG 6 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित किया जाना चाहिए। बोनी के समय अक्टूबर माह के अंतिम सप्ताह से नवंबर के प्रथम पखवाड़े तक, जब 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाए तब बोनी करना अच्छा माना गया है। बोनी की विधि: अफीम की बोनी कतारों में करें। कतारों से कतारों की दूरी 30 सेंटीमीटर, क्यारियों में मेड़ के पास एक रस्सी लंबाई में खींचें, बीज नीचे हाथ रखकर रस्सी के सहारे डालें एवं रस्सी 30 सेंटीमीटर पर बदलें। खाद एवं उर्वरक: 20 से 30 गाड़ी पकी गोबर खाद प्रति हेक्टेयर डालें। सनई अथवा मूंग या चावल की हरी खाद डालना बहुत अच्छा माना जाता है। 150 किलो नत्रजन, 70 किलो स्फुर एवं 45 किलो पोटाश की आवश्यकता होती है। बोते समय नत्रजन की आधी मात्रा, स्फुर एवं पोटाश की पूरी मात्रा देना चाहिए। साथ ही 25 किलो जिंक सल्फेट तथा 30 से 40 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर अवश्य डालें। नत्रजन की आधी मात्रा 35 से 40 एवं 60-65 दिन बाद बराबर 2 भागों में विभाजित कर डालें। इसमें ज़्यादा नत्रजन न दें, क्योंकि अधिक नत्रजन से बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ जाता है।
सिंचाई के लिए बोवनी के बाद तुरंत सिंचाई दें। अच्छे एवं समान अंकुरण के लिए 5-6 दिन बाद हल्की सिंचाई यानी गलवन इसको जरूर दें। इसके बाद 12 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई देते रहना चाहिए। कली अवस्था, फूल अवस्था एवं डोडा अवस्था पर सिंचाई अवश्य करें। उगलावन चीरा लगाने के 5 से 7 दिन पहले देवें। भारी जमीन में चीरे के बाद सिंचाई न दें। हल्की जमीन में 2 या 3 चीरे के बाद हल्की सिंचाई करें। पानी की कमी को देखते हुए ड्रिप के द्वारा सिंचाई कर देना अच्छा माना गया है। छनाई, निंदाई और गुड़ाई, इस प्रकार की शस्य क्रियाओं से अफीम की फसल बहुत अच्छी होती है। पहली छनाई, निंदाई एवं गुड़ाई 20 से 25 दिन बाद तथा दूसरी छनाई, निंदाई गुड़ाई 35 से 40 दिन बाद करें। छनाई में रोगग्रस्त, कीटग्रस्त, पीले व अविकसित छोटे पौधे अवश्य निकाल दें। अंतिम छनाई 50 से 55 दिन के बाद पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखें। अच्छी उपज हेतु 3.5 से 4 लाख पौधे रहना चाहिए। छनाई में निकले गए पौधे को मेड़ पर न छोड़ें, इन्हें गड्ढे में दबा दें। अफीम में रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के लिए आइसोप्रोटेरॉन 375 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर बनाकर बोनी के तुरंत बाद छिड़काव किया जा सकता है। अफीम में रोग प्रबंधन के लिए विशेष ध्यान देना होता है। अफीम पर अनेक रोगों का आक्रमण होता है जिससे उपज में बहुत भारी कमी हो जाती है। मृदुरोमिल आसित यानी डाउनी मिल्ड्यू, अफीम उगाने वाले क्षेत्रों में डाउनी मिल्ड्यू काली मिक्सी से बहुत हानि होती है। रोग का प्रकोप पौधावस्था से लेकर फल आने तक रहता है। सबसे ज्यादा हानि इस फसल पर तब होती है जब रोग का प्रकोप पौधों की छनाई के बाद होता है। उस समय किसान को रोगी पौधों की छनाई करना ही पड़ती है क्योंकि वे पौधे अफीम नहीं दे पाते, इससे पौध संख्या कम हो जाती है। रोग के भयंकर प्रकोप की दशा में अफीम की मात्रा एवं दानों में भारी कमी हो जाती है। इस रोग के लक्षण के बारे में हम जानते हैं। रोग का प्रकोप फसल पर किसी भी अवस्था में हो सकता है। इस रोग का संक्रमण 2 तरह से होता है। प्राथमिक संक्रमण में रोग से प्रभावित पौधों की पत्तियां पीली पड़कर मुड़ जाती है, पौधों की बढ़ावार रुक जाती है तथा पत्ती के निचली सतह पर फफूंद दिखाई देती है। द्वितीय संक्रमण आमतौर पर तब होता है जब पौधे लगभग 1 माह के हो जाते हैं। इससे पत्तियों पर भूरे या काले धब्बे बन जाते हैं। ये धब्बे बड़े हो जाते हैं और नीचे की पत्तियों पर फैल जाते हैं। इस रोग से प्रभावित फसल की बढ़वार कम हो जाती है, डोडों का विकास नहीं होता है और अगर पौधे पर डोडे आते भी हैं तो आकार में बहुत छोटे हो जाते हैं। इसका प्रबंधन इस प्रकार किया जाए, स्वस्थ तथा प्रमाणित बीज बोने के लिए उपयोग में लाएं। कैलेक्सिल 35SD या एप्रॉन 35SD नामक दवा 8 ग्राम प्रति किलो बीज दर से उपचारित करें। यदि यह दवा उपलब्ध ना हो तो कार्बेंडाजिम मैंकोजेब 3 ग्राम प्रति किलो बीज से उपचारित करें। किसी बर्तन में बीज को लेकर 15 से 20 बूंद पानी में डालकर बीज को नम कर लें। उसके बाद
दवा डालकर अच्छी तरह से मिला दें। एक उपाय इसका यह है कि फसल चक्र अपनाएं, जिसमें एक ही खेत में लगातार अफीम की फसल न ली जाए। रोग के प्रारंभ होते ही रोगग्रस्त पौधे को उखाड़कर जला देना चाहिए। इससे रोग के फैलने की गति कम की जा सकती है। रोगग्रस्त पौधे खेत में या मेड़ पर न डालें। खड़ी फसल में मेटालेक्सिल 72 mg 2 ग्राम या एलियट 2 ग्राम या सेक्टिन 1.5 ग्राम या डायथेन एम 45 का 3 ग्राम प्रति मिलीलीटर 1 लीटर पानी में घोलकर 35 दिन 55 दिन एवं 75 दिन पर छिड़काव करें। चूर्णी फफूंद यानी पाउडरी मिल्ड्यू, यह रोग अफीम उगाने वाले सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। इस रोग के प्रबंधन के लिए और उपचार के लिए फसल लेने के बाद फसल अवशेषों एवं खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिए। अफीम की देर से बुआई नहीं करना चाहिए। अफीम का जड़ सड़न, जड़ सड़न के नियंत्रण के लिए 1% हेक्साकोनेजोल का जड़ों में सिंचन या ड्रेंचिंग करेंगे, साथ ही इसमें स्ट्रेप्टोसाइक्लिन भी मिला देवें। अफीम की फसल में कीट का प्रबंधन, भूमिगत कीट जिसे दीमक एवं कटुआ इल्ली। भूमिगत कीट के अंतर्गत वे कीट आते हैं जो भूमि में रहकर अफीम के पौधों की जड़ों को क्षति करते हैं। इसमें दीमक एवं कटुआ इल्ली प्रमुख हैं। ये कीट पौधों की जड़ें काटकर क्षति पहुंचाते हैं। इस प्रकार के कीटों के नियंत्रण के लिए ऐसे रासायनिक कीटनाशकों का चयन करें जो लंबे समय तक भूमि में अपना प्रभाव बनाए रखें। अफीम फसल में दीमक और कटुआ इल्ली की रोकथाम के लिए क्लोरोपाइरीफॉस चूर्ण या दानेदार फ्यूराडॉन 3G या कीटॉफ 4 या 4-8-10G 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति 10 RE का आक्रमण हो गया है तो क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC का 1500 से 2000 मिलीलीटर दवा सिंचाई के पानी के साथ बूंद बूंद कर टपका कर दें। अफीम का थ्रिप्स यानी तेला, इसके लक्षण में मुख्य रूप से छोटे डोड़े अवस्था में नुकसान करते हैं। तेला डोड़े पर छोटे छोटे काले धब्बे हो जाते हैं। एक और कीट जो अफीम की फसल को नुकसान पहुंचाता है वो है मोला, अफीम का मोला यानी जिसको एफिड हम कहते हैं। इसके लक्षण इस प्रकार हैं कि छोटे कद वाला कीट है जो अफीम की पत्तियों और डंठल को निचली सतह पर रहकर रस चूसता है। इसके प्रबंधन के लिए नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का अधिक उपयोग या इस्तेमाल न करें। जब एक पत्ती पर 3 से 4 मोला दिखाई दें, इमिडाक्लोरोपिड 5 मिलीलीटर 15 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। डोडे की इल्ली, इस इल्ली का प्रकोप पुष्प अवस्था से शुरू होकर बहुत छोटे डोडे पर यह अंडे देती है। इन अंडों में इल्लियां निकलकर कुछ दिन ऊपरी सतह पर रहने के बाद डोडे के अंदर प्रवेश कर जाती है और इससे ये दानों को भी खाती है। इस तरह के डोडे से अफीम कम निकलती है, साथ ही इसकी विष्ठा से दानों में कालापन आ जाता है। इसके प्रबंधन के लिए सबसे पहले गर्मियों में यदि हम गहरी जुताई करें तो बहुत अच्छा नियंत्रण हो सकता है।
पुष्प की पंखुड़ियां गिरने के बाद या डोडे पर एक दो इल्ली दिखाई देने पर ट्राइजोफॉस व किनालफॉस 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में के मान से छिड़काव अवश्य करें। इसके अतिरिक्त खड़ी फसल नीम के बीजों के पाउडर बायो नीम गोल्ड का 5% घोल का छिड़काव करें। पाले से बचाव की विधियां। जिस क्षेत्र में पाले का प्रकोप होता है उस क्षेत्र में अफीम फसल के पहले से नुकसान अधिक होता है। अफीम नाजुक एवं संवेदनशील फसल होने के कारण पौधे में पाले से बचाना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। इसके लिए पहले से ही सचेत होना चाहिए। पौधे को पाले से बचाने के लिए कई विधियां अपनाई जा सकती है, जैसे कि वायुरोधी पौधे लगाना। अफीम फसल की उत्तर पश्चिम दिशा में वायुरोधी पौधों को वृक्षावली या अफीम से ऊंची फसलें लगाने से भी पाले से बचाव किया जा सकता है। दूसरा एक तरीका होता है सिंचाई द्वारा। अफीम फसल को सिंचाई द्वारा तर रखने से तापमान 0.5 से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जा सकता है, जिससे पौधे के ऊपर पाले का असर कम से कम होता है। इसलिए जब पाला गिरने की संभावना हो तब अफीम की फसल में सिंचाई अवश्य कर देनी चाहिए। पानी इतना देना चाहिए कि मिट्टी केवल गीली रहे, बहुत अधिक पानी भी नहीं देना चाहिए। कुछ लोग नियंत्रण के लिए धुआं भी करते हैं। अफीम के खेतों की मेड़ पर पत्तियां और कचरा जलाकर धुआं करें। चीरा एवं लूना। चीरे का कार्य डोड़ा कड़ा होने पर ही शुरू करें। चीरा दोपहर बाद तापमान ज्यादा एवं नमी कम हो तब किया जाना चाहिए। बादल वाले दिनों में चीरा लगाने पर अफीम कम निकलती है। लूना बहुत सुबह जब हवा में नमी ज्यादा हो और तापमान कम हो तभी करें। साधारण रूप से सूर्योदय के पहले से 10 बजे तक का समय इसके लिए सर्वोत्तम माना गया है। चीरा और लूना में सावधानियां जरूर बरतें। चीरा लगाने के समय 12 से 2 बजे के बीच जब तापमान अधिक हो और वातावरण शुष्क हो तब चीरा लगाना चाहिए। इस प्रकार 4 से 5 कैप्सूल के चारों तरफ लगाना चाहिए। लूना सूर्योदय से पहले शुरू करके 10 बजे पूर्व जब हवा में नमी ज्यादा हो तथा तापमान कम हो अवश्य पूरा कर लेना चाहिए। जहां तक अफीम की उपज का सवाल है, भारत का औसत उत्पादन लगभग 56 किलो अफीम प्रति हेक्टेयर है। उपरोक्त वैज्ञानिक काश्त से 65 से 80 किलो अफीम का उत्पादन किया जा सकता है। 10 से 12 क्विंटल बीज एवं 8 से 9 क्विंटल डोडा चूरा प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है।